को हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए, मुंबई सिटी को अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा हमें विजन जो हमें हमारा है थोड़ा। यार जो कानों को अच्छा लगे, जो एक कुछ लगे कि अरे व्हाट इज दिस, वो अच्छा। आजकल इस तरह के नाम टीवी शोज पे भी, सॉरी यूट्यूब पे, करण जौहर। हाँ मैंने कुछ सुना, मैं टीवी नहीं देखता, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं, बट जैसा मैंने कहा कि आर्यन को किस तरह शुभकामनाएं देनी चाहिए। आर्य को बहुत दिल से शुभकामनाएं देना, मैंने अभी वही बोला कि मैं शायद जल्दी भी आ गया हूँ, क्योंकि मैंने ये बोल के आया कि मैं एक एक्टर की हैसियत से नहीं, मैं भाई की हैसियत से हूँ, क्योंकि मुझे भैया बुलाता है वो, और मैं उसको कई बार मस्ती में छोटे बुलाता हूँ। तो बहुत दिल से बधाइयाँ एंड ऑल माई बेस्ट विशेस, और इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी किताबें आएँ और आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय रीडिंग। मैं आर्या को बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि एक एक्टर एक दूसरे लाइन में जाकर एक राइटर बने हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप तरक्की करते हो और आप एक सक्सेसफुल बुक लिखते हो। तो आई विश आर्या ऑल द बेस्ट एंड लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, आई होप द बुक डज वेल। आई थिंक ट्रेंड ही है अभी अभी, हम लोगों को हिपोक्रेट नहीं बनना चाहिए, मुंबई सिटी को अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा हमें विजन जो हमें हमारा है थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, थोड़ा जो ऑर्थोडॉक्स है सोसाइटी उसे थोड़ा हमें ईजी होना चाहिए, बिकॉज अब यही ट्रेंड है, यही यूथ है, और हम जितना इसे बिलीव करें, जितना हम लोग इसे एक्सेप्ट करें, उतना ही अच्छा होगा हम सब के लिए। आई थिंक जो लक है वो मैटर्स अलॉट, नाम वाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जो लक फैक्टर है, अगर आपका नसीब आपके साथ है तो आप दुनिया घुमा सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग बुक का जो टाइटल है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सो आई थिंक टाइटल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप कभी कभी, जैसे हम इतने रीडर्स नहीं हैं बुक की, मैं ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ, तो कभी कभी मैं कुछ बुक्स टाइटल देख के खरीद लेती हूँ, तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं डेफिनेटली पूरी बुक में माइक मेरे मुख के अंदर भी जा सकता है कभी भी, तो मैं डेफिनेटली ये बुक पढ़ना चाहूँगी, और एज अ यूथ आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कितना इम्पैक्ट डालेगी आप पे, कितना आपने किताब पढ़ी क्या? अभी तक मैंने पढ़ी नहीं, अब मैं, मुझे सिर्फ बेसिक स्टोरी लाइन पता है, उसकी एक ब्रीफ में पता है, बट मैंने पढ़ी नहीं। आई थिंक आज प्रॉपर लॉन्च होने के बाद शायद हमें आर्या बुक्स देंगे, तो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस राइटर, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिज राइटिंग एंड ऑल्सो व्हाट इज रिटन इन द बुक, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई हैव कम हियर। अभी आर्या से हमारा इंटरेक्शन हुआ, आर्या ने बोला कि मुझे पता नहीं है वो उनका सोचे, अभी मैंने सिर्फ एक टाइटल देखा है, और अभी जिस हिसाब से हम यू नो एज अ पर्सन बहुत ब्रॉड मेंटालिटी के होते जा रहे हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कुछ इतना कुछ खराब है यू नो, और बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उसका एक्चुअल कंटेंट क्या है जिसकी वजह से ये टाइटल है। अब मैं आपसे बात करूंगा एज अ सेलेब नहीं, एज अ नॉर्मल पर्सन, जी कि आजकल एआईबी चल रहा है, जी जी, एज अ नॉर्मल आपका क्या रिएक्शन है, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन? नहीं नहीं, ये डेफिनेटली मेरी फैमिली को तो मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ, शायद मैंने खुद ने ये एक एपिसोड देखा था बेडरूम को लॉक करके, नहीं तो मेरी मॉम अगर ये सब सुनेगी तो सोचेगी मैं क्या देख रही हूँ। मेरी फैमिली इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं है, तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो मैं ओपनली वो नहीं देख सकती हूँ, अगर मुझे देखना है तो चुपके से देखना पड़ेगा मुझे या हेडफोन्स लगा के, तो मतलब एज अ मॉडर्न टाइम के हिसाब से आई थिंक इट्स फाइन, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी फनी, आई कॉन्ट बिलीव कि रणवीर एंड अर्जुन वहाँ बैठे और करण, और जिस हिसाब से बातें हुई जा रही है आई एम शॉक्ड, बट इट्स मतलब मज़ा आती है सुनकर, सुन के तो हर किसी को मज़ा आती है ये सारी चीज़ें, बट डेफिनेटली थोड़ी शॉकिंग है मेरे लिए। ये लोग रोल मॉडल हैं देश के, जी करण जौहर हुए, जी जी रणवीर सिंह हुए, क्या उनको इस तरह की लैंग्वेज का सपोर्ट करना
कहीं से आपके नजरिए से कितना अच्छा होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसका मेन मुद्दा ये था कि ये लोग चैरिटी कर रहे हैं जो पैसा आने वाला है, बट चैरिटी जिस तरीके से करवाई जा रही है मुझे थोड़ी सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये परसों ही देखा है, मुझे पता नहीं था, तो मुझको अभी तक वो सिंक इन नहीं हो रहा है कि ऐसी चीज़ों से भी चैरिटी निकली जा सकती है. बट आई थिंक अगर कुछ अच्छा हो रहा है लोगों का तो फिर जो भी तरीका यूज़ किया जाए. आई थिंक वो डिपेंड करता है आप कितना एस्ट्रोलॉजी में इन सब पे बिलीव करो, तो जो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं आई थिंक वो उस हिसाब से ही अपनी लाइफ गुजारते हैं और उस हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ाते हैं. तो थैंक यू. आपका टाइटल, आपने सुना, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या? पहले मैंने कहा हैं, फिर मैंने कहा हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. क्योंकि क्या, देखिए नई पीढ़ी के हैं, बात खुलकर करते हैं, और वैसे तो राइटिंग इनकी पुश्तैनी इनके घर में, नादिरा जी खुद बहुत अच्छी लिखती हैं, नाना से भी मिला है, पर कहीं कुछ उसने सोचा होगा जब तक किताब पढ़ ना ले कि ये टाइटल इफ़ेक्ट के लिए है या इस टाइटल अपनी कहानी से जुड़ा हुआ है. और मुझे आर्या पे भरोसा है कि उसने जो भी लिखा होगा सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं लिखा होगा, वो कहानी से जुड़ता हुआ हो. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. इतना चेंज आ गया कि हम अपने बच्चों को इस तरह की कल्चर देने को तैयार हो चुके, इंडिया रेडी हो चुका है. देखिए मैं नई पीढ़ी के बारे में खुद कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, और जिस वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं वो मैंने क्योंकि देखी नहीं, वहाँ मैं ये कहूँगी कि भाषा की और हास्य की एक मर्यादा होती है, और किसी पे भी आप कोई भी चीज़ इतनी खुल के, भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है, पर ये किताब किसके लिए लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, उसकी कहानी क्यों है, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है, तो ये जो नए लोग हैं उनकी शब्दावलियाँ बदल गई हैं, यानी कि वो अपने हिसाब से बोलते हैं, तो उनके हिसाब को मुझे पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. मैं अगर होती तो मैं क्या ये लिखती, ये शायद नहीं होता, पर इन्होंने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा, तो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों लिखा है. एक ट्रेंड चला था कि कुमार का ट्रेंड, खान का ट्रेंड, तो नाम क्या चेंज करने से आजकल कई इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं, वो अपने नाम के आगे खान लगा ले रहे हैं या कुमार लगा. काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है. चलिए.